करना वो ये है, इसको स्विच जरूर कह सकते हैं, इसको आप स्विच नहीं कह सकते, इसको इंट्रोडक्टर जरूर सही हो सिंपल सा बॉक्स है ठीक है ना। क्योंकि उसके अंदर एक लंबी पूरी उनकी डिजाइनिंग है, एक कॉन्सेप्ट है ठीक है ना। उनके कलर कोड्स अलग हैं, उनके पोर्ट नंबर अलग हैं, उनके वीना अलग हैं, ट्रांसपोर्ट अलग है, प्राइवेट वीना अलग है, उनके अलग कॉन्सेप्ट है। एक्सटर्नल स्विच आप क्रिएट कर रहे हैं, एक्सटर्नल स्विच को जरा समझना बहुत सर। एक्सटर्नल स्विच जब आपने क्रिएट करना है, एक्सटर्नल स्विच जब क्रिएट करते हुए तो जो आपका फिजिकल एनर्जी है इसको टोटली ये ग्रे कर देता है, फिजिकल एनर्जी को टोटल ब्रिज कर देता है, उसको ब्लैंक मतलब उसको आप यूज ही नहीं कर सकते ठीक है। क्योंकि एक्सटर्नल स्विच के केस में जब ये एनर्जी अपना क्रिएट करता है, एक्सटर्नल एनर्जी जब अपना एनर्जी क्रिएट करता है, जो कॉन्फिगरेशन आपने फिजिकल एनर्जी के अंदर दी होती है उसको शिफ्ट कर देता है वर्चुअल एनर्जी के अंदर, जो एक्सटर्नल एनर्जी होती है ठीक है ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी ओपन करेंगे, इसका स्टेटस देखें बिल्कुल ब्लैंक, उसको यूज इन करने देते हो क्योंकि ट्रैफिक को क्या करता है ब्रिज करता है, इसको टोटल क्लियर करता है, ट्रैफिक को उससे बाईपास कर लेगा और ट्रैफिक आगे कहाँ तक देखा जाएगा, आगे आपके पास फिजिकल स्विच लगा है ठीक है, आगे आपके फिजिकल नेटवर्क में वो ट्रैफिक पास कर देगा ठीक है ठीक है। अब इसमें क्या है, इंटरनल कम्युनिकेशन भी कर रहा, कम्युनिकेशन उसके बेस सर्वर तक भी आ रही और देन वो फिजिकल तक भी हो जा रहा। तो इसमें मल्टीपल सबनेट्स यूज कर सकते हैं फिर? मल्टीपल सबनेट्स नहीं, सिंगल सबनेट। मल्टीपल सबनेट कैसे यूज करेंगे? वीएम को आपका होस्ट मतलब हमारी वीएम और होस्ट सब एक ही है, एक ही। ये तो सर इसका ड्रॉ है फिर, हमने वीएमवेयर में तो जो उसमें किया था तो उसमें तो मल्टीपल वीएम भी होती हैं। देखो वीएम आप यूज कर सकते हैं, आप देखें इसमें जब आप एनएसी क्रिएट करते हैं तो नीचे का ऑप्शन आपको वीएम भी देता है ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे सिंपल करके ब्रिज करेगा, वीएम आपको ऑप्शन में दे देगा। अब वीएम की टाइपिंग जरूर कर सकते हैं कि उसमें ये है कि आप उसमें कर सकते हैं एक्सटर्नल मल्टीपल क्रिएट करने, अच्छा मल्टीपल एक्सटर्नल क्रिएट करने, एक एक्सटर्नल को एक वीएम पे शिफ्ट कर दें, दूसरे एक्सटर्नल को दूसरी वीएम पे शिफ्ट कर, ठीक हो गया सही है ठीक है, यानी दूसरे सबनेट पे। हां फिर वीएम्स में एक्सटर्नल के साथ मैप करें, एक्सटर्नल के साथ ठीक है, ये इसकी कम्युनिकेशन करते हैं। उसमें तो हमारे पास जो जो स्टैंडर्ड स्विच की बात करते हैं ना, इसमें सर मोनली फॉर व्हील है, इसके अंदर तीन तरह की आपके कॉन्सेप्ट है, ये नहीं जो किया था इसमें है लिखना तो लिख लें, एक इसके अंदर व्हील है, एक इसके अंदर प्राइवेट व्हील है, एक स्टैंडर्ड फ्रंट का कॉन्सेप्ट है सही। सर स्टैंडर्ड ही यूज किया था, हमारे पास दो वर्चुअल मशीन थी दोनों डिफरेंट सबनेट्स पे, तो उसका ये किया था कि जो हमारा फिजिकल स्विच था ना जिस पोर्ट पे जा रहा था उसको ट्रंक कर दिया था और इन दोनों वीलैन को अलाउ कर दिया था उसमें से। लेकिन अच्छा इसका मतलब ये कि हाइपर वी के केस में हमें मल्टीपल एक्सटर्नल स्विचेस क्रिएट करने पड़ेंगे, बट वो सारे एक ही निक के थ्रू जा रहे होंगे, ठीक हो गया सही है ठीक है। उसकी बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप फिजिकल एटलीस्ट टू नहीं तो एटलीस्ट फोर एन एस सी फिजिकल यूज करते हैं ठीक है, एक एक एन एस सी को एक एक के साथ बाइंड कर लेगा, ठीक हो गया एक एक एन एस सी को एक एक के साथ बाइंड कर लेगा ठीक है। क्योंकि जब आप एक्सटर्नल स्विच जब क्रिएट कर रहे होते हैं उस टाइम आपसे पूछता है कि मुझे कौन सा एन एस सी दो, ठीक है बिल्कुल सही ठीक है, उस टाइम आपको उसका एन एस सी बताना पड़ेगा ठीक है। नेक्स्ट टाइम दूसरा एक्सटर्नल स्विच क्रिएट करेंगे तो आपको सेकंड एनएसी बताना पड़ेगा, ठीक है तीसरा क्रिएट करेंगे तो तीसरा बताना पड़ेगा, अगर आपके पास चार लगे तो चार, क्योंकि प्रॉपर नॉर्मल जो सर्वर हम यूज कर रहे होते हैं उसका एटलीस्ट मिनिमम दो तो यूज कर रही होते हैं ठीक है, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता कि एनएसी उसमें एक ही चल रहा होता है, क्योंकि वो नॉर्मल मशीन तो होती नहीं है ठीक है, या तो फोर यूज करते हैं सिक्स भी होते हैं ठीक है, या फोर या टू यूज करते हैं। फिर तो हमारी जो फिजिकल स्विच पे पोर्ट होगी वो एक्सेस पोर्ट होगी, यानी इसमें हम वो कंसेप्ट नहीं कर सकते ट्रंक वाला, नहीं हम अगर दो इसमें ट्रंक वाला कॉन्सेप्ट नहीं, नहीं हर एक्सटर्नल लिंक को हम नहीं दे सकते, एक्सटर्नल स्विच को हम डिफरेंट सबनेट नहीं दे सकते, डिफरेंट
इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अब आपस में कम्युनिकेशन ही करोगे, वैसे आप कम्युनिकेशन बाहर जरूर चलेगी। फिर वीलैन का क्या पड़ेगा? वो तो स्विच पे ही होगी, क्योंकि स्विच पे या फिजिकल स्विच पे आपने यहाँ पे टैगिंग करेंगे और वही नंबर आप ऊपर उसको दे देंगे। मतलब सिंपल से अगर जो आप यहाँ पे नंबर दे रहे हैं फिजिकल स्विच पे वही नंबर आप ऊपर उसको दे देंगे, 1 2 जो भी आपने डिजाइन कर रहा है वो कर देंगे। लेकिन इसके अंदर कोई स्विचिंग बहुत ज्यादा हाई लेवल का स्विचिंग नहीं है, बड़ी लिमिटेड है आपका। ठीक है, बस बेसिकली आपने वीएम की कम्युनिकेशन करना है। हां, ठीक है, तो इसका जो है वीएम में थोड़ी सी है, वीएम में आपको डिफरेंट ऑप्शन मिलते हैं। हां, डिफरेंट ऑप्शन। क्लियर हो गया स्विचेस? सही सर, ये वर्चुअल मशीन हम गेस्ट ओएस कौन से सपोर्ट कर रहा है हाइपर वी? सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ही है या और भी हम वर्चुअल मशीन बना सकते हैं, लिनक्स वगैरह? ये माइक्रोसॉफ्ट का तो 2008 का मैंने देखा था, वो तो बहुत ज़्यादा भी अच्छी कंडीशन नहीं है। 12 और 16 बोल देता है, 8 का तो ये कंफर्म है कि माइक्रोसॉफ्ट ही है, मतलब और गैस को ऐसा आप नहीं कर सकते इस पर। और ये स्विचेस जो एक्सटर्नल स्विचेस हैं, जितने आपके नीक है मैक्सिमम उतने एक्सटर्नल स्विच क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि जब फिजिकल आप एक्सटर्नल स्विच जब क्रिएट कर रहे होते हैं वो फिजिकल एनालिसिस पूछता है कि मुझे कौन सा दे रहा है, लेकिन जब एक आप बाइंड कर चुके होंगे तो दूसरा उसको नहीं कर सकते। इसमें हार्डवेयर का मेजर जो एक पोर्शन है वो ये है, बाकी इसके छोटे मोटे चीज़ें वो मैंने जनरेशन में इम्प्रूव का बताया, लेकिन वो जो यूनिफॉर्म सॉल्यूशन करूँगा वो इसके साथ मैं आपको क्लियर कर दूँगा कि क्या जनरेशन में का डिफरेंस है जनरेशन में। ठीक है, अगर आपका टोटल ही इन्वायरमेंट 16 का चल रहा है 10-25 हज़ार आप जनरेशन टू के लिए, अगर आप ओल्ड बीच में यूज़ कर रहे हैं 8 यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो 10-25 आप जनरेशन में। क्योंकि जनरेशन 1 जो है वो ओल्ड को तो सपोर्ट कर देगा, जनरेशन 2 जो है वो ओल्ड को नहीं सपोर्ट करेगा। स्टैंडर्ड स्विच पे क्या क्या देखते हैं सर? हमने तो एक्चुअली हमारे पास दो डिफरेंट सबनेट वाली मशीन थी, तो हमने वो भी नेट से देख देख के कॉन्फ़िगरेशन की थी कि उनकी दोनों की ट्रैफिक है कि निक के थ्रू कैसे स्विच के थ्रू अलाउ करनी है, तो वहाँ पे वो ट्रंकिंग का कंसेप्ट था कि आप स्विच की पोर्ट को ट्रंक कर लें और ये ऊपर से जो भी आए। पोर्ट